ड्रॉप पे आया, उनको अटैक किया, उनको टेक डाउन करने की कोशिश, बट वही सोल वर्सेस गॉड लाइक एक मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज गोइंग टू बी अ गोलियाथ वर्सेस गोलियाथ, बट दैट फ्रे बाय एजी गॉड वुड गेट अक्षर डाउन। एक बहुत ही मैसिव यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है टीम गॉडलाइक को, क्योंकि जोनाथन को तो रिवाइवल मिल जाएगा, बट वही सोल के जो दो प्लेयर हैं वो नॉक पड़े हैं, उनको रिवाइवल करना शायद पॉसिबल ना हो। ओमेगा और हेक्टर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे आ जाती है। गॉडलाइक जोनाथन भी नीचे फंसे हुए हैं, तो रिवाइवल करना उनको भी शायद मुश्किल होगा, बट हेक्टर की एचपी काफी डाउन, उन्होंने यहाँ पे अपने आपको हील किया ताकि वो एचपी को फिनिश यहाँ पे पूरा तरह से कर सके। तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वन। एक और नेड यहाँ पे लोटस करा जाएगा, बट जी गॉड को भी नॉक करा जाते हैं। दैट वाज अ गुड नेड, बट जी गॉड बाल बाल बचते हुए। जोनाथन को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है, बट उनको रिवाइवल मिल जाएगा। वहीं अगर सोल के प्लेयर्स की बात की जाए, रिवाइवल की प्रक्रिया को अभी तक शुरू नहीं करा गया। दैट्स अ गुड वन ओवेस जॉइन करेंगे इस पार्टी को। नियो को भी नॉक करा जाएगा, सोल के भी फिनिश निकाले जाएंगे, हेक्टर नियो का फिनिश निकालेंगे। इट इज अ डिफिकल्ट बैटल जिसमें जीत हो सकती है टीम फॉरएवर की। I am seeing a love triangle जहां पे तीन टीम्स आ चुकी हैं और हर एक टीम के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हाँ, वो एक टीम जिसके लिए दिक्कतें नहीं है वो है टीम फॉरएवर। क्लच गॉड निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हेक्टर स्प्रे से ट्रेस करने की कोशिश पूरे तरीके से कर रहे हैं, बट ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे। लेकिन व्हीकल बॉस हो सकता है कुछ और चंद स्प्रे, जॉनसन का रिवाइव हो जाएगा एंड अब वो ग्रेनेड टॉस करने पे आ चुके हैं। हेक्टर को यहाँ पे डाउन किया ट्रॉय की तरफ से, ओएस बोलते को डाउन किया जाएगा। जस्टिन यहाँ पर क्लच गॉड को भी डाउन करने में सक्षम होंगे, डेल्टा पीजी की तरफ से क्लच गॉड का कंफर्मेशन। इसका मतलब केमिनी स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आ चुकी है फाइट के अंदर। स्पीड व्हाट इज हैपनिंग, एक के बाद एक लगातार टीम्स का एडिशन हो रहा है। थर्ड शोस कह रही है उनके पास लैंडमास है और वो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये लीजिए नजर हटी, दुर्घटना घटी, टीम एक्सपर्क डायरेक्टली एंट्री करेंगे और यहाँ पे राइवलरी के रेकनिंग काफी देर से बढ़ रही है। फिर अब तक वो लैंड पे नहीं पहुंचे, जॉनसन गिर के नॉकआउट हो जाएंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं और इस एडवांटेज को लेने के लिए उनको जी गॉड से भिड़ना जरूर पड़ेगा। जस्टिन के ऊपर प्रीएम्प्टिव नेड, बट जी गॉड यहाँ पे क्लच करके दिखा सकते हैं, एक बेहतरीन जिगल देखने को मिला, बट जी गॉड कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे ये बहुत।